ये आज जो मेरा लेक्चर है बीसी सेकेंडरी के लिए सब्जेक्ट का नाम है C++। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट सी आउट एंड सी इन। अभी सी आउट सी इन क्या होते हैं, ये आपके बेसिक C++ के अंदर इनपुट आउटपुट होते हैं। सी आउट जो यूज होता है वो यूज होता है आउटपुट स्ट्रिंग के लिए, सी इन जो यूज होता है वो यूज होता है इनपुट स्ट्रिंग के लिए। अब स्ट्रिंग क्या होती है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात करते हैं कि C++ के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग्स जो होती है वो प्रोवाइड की नहीं है हमें C++ की लाइब्रेरी के अंदर, जो यूज होती है टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट टास्क। जो इनपुट आउटपुट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करते हैं। स्ट्रिंग को आप मान सकते हो जस्ट कलेक्शन ऑफ बाइट्स, जस्ट कॉल्ड अ स्ट्रिंग। दीज टास्क आर डन इन द फॉर्म ऑफ बाइट, ये टास्क जो किए जाते हैं बाइट के फॉर्म में किए जाते हैं। आपको पता ही है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाता है वो बाइनरी फॉर्म में जाता है ना, जीरो या वन के फॉर्म में जाता है। तो जो सारा का सारा डेटा है वो बाइट में कन्वर्ट होता है और वो स्ट्रिंग के थ्रू जो है ट्रेवल करता है। अगर डेटा इन हो रहा है तो इनपुट स्ट्रीम चाहिए, अगर डेटा आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। तो यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, स्ट्रीम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। और वी हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम फॉर इनपुट टास्क एंड आउटपुट स्ट्रीम फॉर आउटपुट टास्क। इनपुट स्ट्रीम यूज होगी इनपुट टास्क के लिए, आउटपुट स्ट्रीम होगी आउटपुट टास्क के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रीम होती है जो हम C++ के अंदर यूज होते हैं। या आपके टाइप ऑफ स्ट्रीम होगी, हमारे पास दो तरीके की स्ट्रीम है, पहली है इनपुट स्ट्रीम, दूसरी है आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रीम वेयर द बाइट्स फ्लो फ्रॉम अ डिवाइस। इनपुट स्ट्रीम में क्या होगा, जैसे कीबोर्ड से आपने कुछ प्रेस करा तो वो कीबोर्ड से जाएगा वहां पर मेन मेमोरी में, तो वहां पर यूज होगी हमारी इनपुट स्ट्रीम। यानी हम डेटा एंटर करा रहे हैं, डेटा इनपुट करा रहे हैं, तो वहां पर हम यूज कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम। जैसे कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करा रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो वहां पर हमारी यूज होगी इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, इसी तरह इनपुट स्ट्रीम वेयर द बाइट्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम मेन मेमोरी टू द डिवाइस। यहाँ पर आपका जो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, जो आपकी बाइट्स होगी वो फ्लो होंगी, कहां पर फ्लो होंगी, वो फ्लो होंगी मेन मेमोरी टू डिवाइस, मेन मेमोरी टू डिवाइस। जैसे कोई आउटपुट आएगा, आउटपुट कहां पर शो होगा, मॉनिटर के ऊपर। आउटपुट कहां शो होगा, मॉनिटर के ऊपर। तो इसलिए स्क्रीन पर जो कुछ आउटपुट शो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, आउटपुट स्ट्रीम की वजह से। तो यहाँ पर दो तरह की स्ट्रीम होगी, इनपुट स्ट्रीम है आउटपुट स्ट्रीम, हम C++ के अंदर यूज करते हैं। एंड व्हाट इज द स्ट्रीम, स्ट्रीम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, स्ट्रीम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। बाइट्स का जो कलेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रीम, वो स्ट्रीम कहलाएगी। एंड वी हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रीम, एंड वी हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रीम, फर्स्ट इज इनपुट स्ट्रीम एंड सेकंड इज आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या काम करेगी, इनपुट स्ट्रीम में डिवाइस के थ्रू डेटा इनपुट होगा मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाएगा, और आउटपुट स्ट्रीम में डेटा मेन मेमोरी से आएगा डिवाइस पर, दैट इज द वर्क ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। अभी काम कैसे करते हैं, इससे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको हेडर फाइलें दी गई है, इन हेडर फाइल की मदद से ही काम करते हैं। यहाँ पर C++ के अंदर आपको एक हेडर फाइल दी गई, इसका नाम है iostream.h। क्या नाम है, iostream.h नाम की हेडर फाइल है। iostream.h नाम की हेडर फाइल के अंदर दो फाइल है, पहली है इनपुट स्ट्रीम फाइल और दूसरी है आउटपुट स्ट्रीम फाइल। iostream का मतलब यह है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, iostream का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसके अंदर दोनों है, इनपुट स्ट्रीम भी है और आउटपुट स्ट्रीम भी है। अगर आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना है तो पहले आपको अपने C++ के प्रोग्राम के अंदर ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है iostream.h।
स्ट्रिंग रोटेशन की जो हेड फाइल है इसे आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, ठीक है। इस आईओ स्ट्रिंग रोटेशन की फाइल के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक तो सी इन ऑब्जेक्ट दिया है, सी आउट ऑब्जेक्ट दिया गया है। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन है इस फाइल के अंदर, आईओ स्ट्रिंग रोटेशन फाइल के अंदर। सी इन क्या है, ऑब्जेक्ट है, या आप ये कह सकते हैं प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड सी आउट, सी आउट है प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है ऑफ स्ट्रीम क्लास। तो ये आपको यहां पर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, सी इन और सी आउट, जिनकी मदद से आप डेटा इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम में यूज करते हैं। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन है आईओ स्ट्रीम रोटेशन नाम की हेडर फाइल के अंदर। ये दोनों के दोनों डिफाइन है आईओ स्ट्रीम रोटेशन नाम की हेडर फाइल के अंदर। तो आपको अगर इन्हें यूज करना है तो आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर आप क्या इंक्लूड करते हैं, आईओ स्ट्रीम रोटेशन नाम की हेडर फाइल आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करोगे, इंक्लूड कर लोगे। इंक्लूड करने के बाद आप सी इन और सी आउट को यूज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी इन और सी आउट जो है इस तरह से, जैसे आईओ स्ट्रीम है इसके अंदर सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट हो गए, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास का हेडर फाइल कहलाती है। इस तरह से आईओ एम एन एम बी एन एन पी के नाम की एक हेडर फाइल है, ये इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर के लिए यूज होती है। इसी तरह से एफ स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पे एफ स्ट्रीम रोटेशन नाम की हेडर फाइल यूज करते हैं। आगे फाइल हैंडलिंग आएगी सी प्लस प्लस में, तो वहां पर हम इसे यूज करेंगे एफ स्ट्रीम रोटेशन नाम की हेडर फाइल को, तो वहां पर ये यूज होगी, ये फाइल हैंडलिंग के लिए यूज होगी आईओ स्ट्रीम रोटेशन। तो यहां पर ये तीन आपको यहां पर लाइब्रेरी के अंदर हेडर फाइल दी गई है सी प्लस प्लस की। तो आप सबसे पहले फाइल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईओ स्ट्रीम रोटेशन, सबसे पहले आप इसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे आईओ स्ट्रीम रोटेशन नाम की हेडर फाइल को। सी एंड सी आउट की बार बहुत पॉपुलर है सी प्लस प्लस में, ये यूज होते हैं टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग आउटपुट। सी इन जो यूज होगा वो यूज होगा इनपुट को लेने के लिए, और सी आउट जो यूज होगा वो यूज होगा कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, मॉनिटर को कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम सी आउट का यूज करेंगे। ये इस तरह के काम करेंगे, जैसे सी के अंदर हम प्रिंट एप इसके अंदर यूज करते थे, प्रिंट एप इसलिए यूज होता उसके अंदर हमें प्रिंट कराना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम प्रिंट एप फंक्शन यूज करते थे। और अगर हमें कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट कराना है कंप्यूटर के अंदर तो हम वहां पर स्कैनर यूज कर देते हैं। यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर सी आउट यूज होगा कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, और सी यूज होगा कुछ भी इनपुट से इनपुट लेने के लिए किससे, कीबोर्ड से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, सी आउट ऑब्जेक्ट जो है वो आईओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, की मदद से हम कोई भी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, यानी सीधी बात है सी आउट की मदद से हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। जो हम काम प्रिंट टेस्ट कर रहे थे वो काम करेंगे इससे सी आउट से। इट इज ये जो आता है ये लिखा जाता है साथ में, इसके एक ऑपरेटर भी लगता है जिसका नाम होता है इंसर्शन ऑपरेटर, जिसका नाम होता है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से हम डेटा को राइट करते हैं किस पर, आउटपुट स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर। देखो कैसे, फिर आपने इंक्लूड कर लिया
से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, गोविंद मिट से आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है, प्रोग्राम अभी शुरू हुआ, प्रोग्राम अभी खत्म हुआ। यहाँ पे आपने इंटीजर टाइम का एक वैल्यू ले लिया, ये और से वैल्यू ले ली टेन, ठीक है। यहाँ आपने यूज कर लिया सीएलआर एसटीआर टीचर स्क्रीन के लिए, और यहाँ आपने यूज कर लिया गेट सीएच स्क्रीन के आउटपुट को कंप्यूटर पर होल्ड कराने के लिए, जो भी आउटपुट आएगा उसको स्क्रीन पर होल्ड कराने के लिए आपने गेट सीएच को सिंपल यूज कर लिया। अब आपको ए को प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, क्या यूज करोगे, लिखोगे आप सी आउट, ठीक है। और सी आउट मैंने बताया क्या लगेगा, इंसर्शन ऑपरेटर, और इसके बाद जो मुझे प्रिंट कराना है वो, और फिर सेमी कोलन। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, आउटपुट आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी आउट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, आउटपुट स्क्रीन क्लास का, ये क्या है, ये है इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर हमेशा सी आउट के साथ आता है, इंसर्शन ऑपरेटर हमेशा सी आउट के साथ आएगा। तो इस तरह से यहां पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, 10, आउटपुट क्या आएगा 10। ऐसे एक और प्रोग्राम जो है वो यहां पर बना हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर हाई स्पीड वोल्टेज नाम की हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है। इसके बाद यहां पर मेन शुरू हुआ, मेन खत्म हुआ, यहां पर एक कैरेक्टर एरर बना दिया, एरर ये प्रोग्राम सेम ही रहेगा। यहां आपने सपोज एक नंबर ले लिया, इंटीजर में आपने डिक्लेयर कर दिया नंबर, यहां हो गया सी एल आर एस सी आर, यहां आपने कर दिया गेट सी एच, यहां पे शुरू हुआ बंद हुआ, आपने सी आउट पहले लिखा सी आउट एंटर नंबर, तो इसके लिए ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, फिर आपने सी करा और सी के बाद आपने लिख दिया नंबर, और फिर आपने सी आउट करा दिया, राइट। तो यहां सिंपल सा प्रोग्राम है, यहां क्या हो रहा है, यहां आपने एक नंबर इंटीजर टाइप का क्या लिया, एक वेरिएबल लिखा जिसका नाम क्या है नंबर, जैसे मेमोरी मिल जाएगी, इसका नाम क्या हो गया नंबर, कितनी मेमोरी मिलेगी इसे 2 बाइट, मेमोरी कितनी मिली इसे 2 बाइट मेमोरी मिलेगी, लेकिन अभी कितनी कैसी वैल्यू है 4 बिट वैल्यू है, क्योंकि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं कराया, आपने ये फिर वाली लाइन चली, लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर पर एंटर नंबर, कंप्यूटर किसने लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, आप कीबोर्ड से कोई भी नंबर दबा दो, सपोज आपने 5 दबा दिया, 5 दबा दिया और एंटर करा, तो नंबर के अंदर कितना चला जाएगा, नंबर के अंदर क्या इनपुट हो जाएगा 5, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज कर रखा है सी इन, सी इन आपके लिए स्कैनर का काम करेगा, सी इन आपके लिए स्कैनर का काम करेगा, जैसे सी के अंदर स्कैनर यूज होगा वही काम यहाँ पर हो रहा है, स्कैनर क्या कर रहा है उस जो भी आपने प्रेस कराया कीबोर्ड से उसको स्कैन कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, रीड करने के बाद जो भी आपने प्रेस किया है उसको वो इनपुट कर रहा है नंबर के अंदर, नंबर को स्कैन करने के बाद वो नंबर की वैल्यू पर उसको स्टोर करा देगा, तो 5 स्कैन करा जाएगा, फिर आपने करा सी आउट नंबर, तो सी आउट में क्या है नंबर के अंदर क्या है 5, आउटपुट क्या आएगा 5। तो यहां पर हम सी इन यूज कर रहे हैं स्कैनर के लिए, सी इन क्या है,
सी इन एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है फुल स्क्रीन क्लास का, और ये वाला ये होता है सीन आता है इस ऑपरेटर का, इस ऑपरेटर का नाम होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी आउट आएगा इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, सी इन आएगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ। तो इस तरह से हम सी इन और सी आउट का यूज करते हैं। यह यूज है किसका, सी इन और सी आउट का। ये बहुत आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सी आउट सी, व्हाट आर द स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस, व्हाट इज द यूज ऑफ सी आउट सी। तो आप ये जो दो प्रोग्राम मैंने बनवाए हैं, इन दोनों प्रोग्राम को आप वहां पर बना कराओगे और इन्हें एक्सप्लेन कर कराओगे जो मैंने बताया, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। व्हाट इज सी आउट एंड सी इन एंड व्हाट आर द स्ट्रीम एंड व्हाट आर द स्ट्रीम। और प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके किसके बारे में पढ़ चुके, हम होप्स के बारे में पढ़ चुके, होप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस क्या डिफरेंस है ये पढ़ा है, और आज हमने कवर करा है सी आउट और सी। ठीक है, तो आज आपको इतना आपको प्रिपेयर करना है, सी आउट का प्रोग्राम बनाना है, सी का प्रोग्राम बनाना है और इन्हें चला के देना। ठीक है।